आप लोग? हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज अर्बन बाय रोहन विद यू। और इस वक्त मैं हूँ तपोवन में। दिखा था आपको यहाँ का व्यू। नाश्ता कर लिया था मैंने और इस वक्त मैं हूँ तपोवन में। जैसा कि आपने अभी तक सिनेमैटिक शॉट्स में देखा होगा कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ, ये पीछे पूरा मार्केट वाला एरिया है। और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे देखेंगे। ओके, सो ये सीढ़ियाँ यहाँ पे, पता नहीं कितनी अनगिनत सीढ़ी है, मैंने तो गिनी भी नहीं, 100-150 होंगे। पीछे देख रोहन, रोहन पीछे घूम के देख। सो गाइस, ये रहा तपोवन का व्यू। अभी हम लोग नीचे में थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, जंगल झाड़ी थी, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत व्यू देखने की कोशिश किया, खेत वगैरह खेती हो रही है। पर जैसे यहाँ पे आया, चार सीढ़ी ऊपर आने के बाद में जैसे मैं पीछे घूमा तो द लुक बहुत सरप्राइजिंग। ओह माय गॉड, पीछे धकेल रही है हमको। हम लाए अपने साथ रिफ्रेशमेंट, लस्सी। तब तक आप लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, देखते रहो आगे का व्यू। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट करके बताओ लॉकडाउन में आप लोग का क्या हाल है। सो दिस इज कॉल्ड असली सस्पेंस गाइस। जंगल में हूँ मैं, ये चारों तरफ खड़ी झाड़ी वाड़ी है। वो पीछे वाला पत्थर बहुत बड़ा था, वैसे टपकने में काफी मुश्किल हुई मेरे को। पतला रास्ता ना है कोई, पीछे कोई। कहाँ गया? कोई है? मुझे बचाओ, कोई है? वो रहा रे ऑफ सनशाइन। सो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आ गए इस वक्त दूसरे वाले एंड में। ये रात मेरे से पीछे में है, दिखा था कोई यहाँ का व्यू। और आने में काफी दिक्कत हुई, वो पूरा जंगल वाला एंटायर एरिया, वहां से हम लोग आ रहे हैं टपक के। किसी तरह पे आया हो मुझे ही पता है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि मैं गायब कहाँ हो गया था। वेल, मेरी लास्ट वीडियो आई थी रथ यात्रा के ऊपर, कोलकाता रथ यात्रा 2019 वाली, जो कि उसके बाद में फिर मेरा को जो कॉलेज पास आउट हो गया और मेरी लग गई जॉब, और वो जॉब थी ट्रांसफरेबल, तो उसी के चक्कर में इधर उधर में था, और इसलिए वहाँ पे सेटल होने में टाइम लग गया।
और फिलहाल घर में था तो मैं अपना एडिटिंग वगैरह डेस्कटॉप से ही करता था, तो अभी मोबाइल से लोग बोल रहे करने को, वजन मोबाइल से वो फील नहीं आता है जैसे कि एफएक्स वगैरह। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी व्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ मोबाइल से नहीं आता है। सो जब तक आएगा लैपटॉप वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को तो मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ और ट्राई करूँगा इसको जल्द से जल्द अपलोड करने का। सो दामोदर भाई है मेरे साथ, उनके मेरे साथ ऑफिस में ही मीट हुई थी। सो वो भी मेरे साथ आए हैं और इस जगह के बारे में उसको भी पता है। उस समय हमने बताया था त्रिकुटी पहाड़, तो उस समय दिख नहीं रहा था क्राउड। अभी सामने आप देख सकते हैं दिख नहीं है, अभी मे भी कैमरा में हाई क्वालिटी नहीं आ सकती है, तो वो सामने है पहाड़ों की श्रृंखला है, वही है त्रिकुटी पहाड़ यहाँ का। मे भी किसी और वीडियो में हम लोग उसके बारे में ब्लॉग बना देंगे, और फिलहाल अभी यहाँ पे हैं। तो आपको हमने जैसा कहा था कि इधर सामने में जो पहाड़ी जो मैंने कहा था इसके पास आपको राउंड में वहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ हम लोग आ चुके हैं और अब यहाँ से व्यू देखते हैं। गाइस ये वही है जो दूर से दिख रहा था, लग रहा है किसी ने ला के रखा हुआ है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में दिस वे ये वो जगह है जहाँ ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आके यहाँ पे तप किया था, जिसकी वजह से इस भूमि को इस एरिया को तपोवन कहते हैं। और हम लोग जब आते हैं तो रास्ते में भी लिखा हुआ है तो तपोभूमि तपोवन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे भी पत्थरों के बीच में ही हनुमान जी ने बैठ कर पूजा किया था और अपने श्री राम की भक्ति की, कुछ समय बाद रामायण के बाद बहुत बात बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भी हनुमान जी हैं, ऐसी बहुत जगह पे उनके साक्ष्य भी मिले हैं। सो गाइस ये तपोवन हमने कवर कर लिया, अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे त्रिकुटी वगैरह दिखाने को। सो फिलहाल देवगढ़ चलते हैं, चलो और चल के दिखाते हैं कि सावन में इस वक्त वहाँ पे क्या हाल है लॉकडाउन के बाद। जी बट सुनने में तो इस साल यह आया है कि इस बार कोई कांवर यात्रा या कांवर मेला नहीं लग रहा है, जो कि यहाँ पे सावन मेला के लिए फेमस है। और अगर ये वीडियो मैं कल बना रहा होता, जो कि सोमवार कहते हैं यहाँ पे जो सोमवार का व्रत रहते हैं, तो उन लोग के लिए स्पेशल यहाँ पे आलू की जलेबी बनती है। जैसा कि आप जानते हैं आलू का सेवन किया जा सकता है फास्टिंग में, तो आलू की जलेबी मिलती है बिना मैदे की, आलू और चीनी की, तो जो कि केवल अभी फिलहाल सोमवार को मिल रही है। लेकिन अगर सावन मेला लगता, जो कि श्रावणी मेला जिसको बोलते हैं, या फिर यहाँ पे ये कांवर मेला कह सकते हैं आप, तो वो अभी डेली मिलता, लेकिन इस साल यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से कोविड-19 ये मेला स्थगित कर दी गई है। सो लेट्स सी वहाँ क्या सीन्स चल रहे हैं। सो कम ऑन गाइस लेट्स गो। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको देवगढ़ में। सो गाइस ये हमें इस वक्त देवगढ़ में टावर चौक में, ये वाली गली है वो सामने की तरफ मंदिर जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त दुकानें खुली ही है लगातार, लोग हालांकि काफ़ी कम है, हालांकि खाली है। इस वक्त सावन का महीना है, सावन में पूरा भर्ती रहता था ये वाला जगह, मतलब इस वक्त ऐसा हाल है यहाँ पर। सो गाइस इस वक्त हमें टावर चौक देवगढ़ से जो सीधा गली आती है वहाँ पे, और इस बार सावन का मेला नहीं हो रहा है इसलिए देखिए रास्ता कितना खाली है, पूरा खाली है। और हम लोग बाइक से नहीं आ सकते थे, लिटरली हम लोग बाइक से नहीं आ सकते। और ये देखिए ये पीछे मंदिर का रास्ता जा रहा है, देखिए पूरा ही खाली पड़ा हुआ है। तो अभी हमको भूख लगी है बहुत ज़ोर से, चलते पहले कुछ खाते हैं। सो गाइज ये थी मेरी देवगढ़ से आज की वीडियो के लिए छोटी सी पेशकश, कमेंट करके बता आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। टिल देन ईट फ्रेश स्टे यंग, दिस इज योर अर्बन बॉय रोहन साइनिंग आउट, गुड बाय एंड बी सेफ।